नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मैं जो कहानी और सच्ची घटना बताने वाला हूँ ये बहुत ही खतरनाक है, और ये कहानी इतनी खतरनाक है कि आपके कहानी सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों आज से 4 साल पहले होता क्या है कि एक लेडीज अपने बच्चों को लेकर स्कूल के ले जाती है, उनको बस में चढ़ाना होता है उनको। और होता क्या है कि लेडीज जब जा रही होती है, और ये जो सामने आपको मकान दिख रहा है, इस मकान के पास क्या होता है कि बच्चे इकट्ठे होते हैं बहुत सारे, ऊपर से बस आ रही होती है। और होता क्या है कि जैसे ही वो इस मकान के पास पहुंचती है और देखती है कि बस आ रही है, तो दोस्तों वो उस बस को बस से आने से पहले, क्योंकि बस की ब्रेक फेल हो जाती है, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचती है और बच्चों को साइड में करती है, और उस बच्चों को साइड करते करते वो बस के टायर के नीचे है, वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उस लेडीज को ये सब करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनको सहायता राशि देते हैं उनके परिवार को। और दोस्तों होता क्या है कि जब वो खत्म हो जाती है तो उसको यहाँ से बोरी में बांध को इकट्ठा करके, क्योंकि उसकी हालत जो थी काफ़ी ख़राब हो जाती है, और फिर उसको वहाँ से ले जाते हैं और फिर उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद दोस्तों होता क्या है, अब 7 दिन के बाद हमारे घर में मेरे छोटे भाई की शादी थी, और हमारा जो पुराना घर है वो हमारे घर से ताया का लड़का था, तो यहाँ पर शादी थी, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब मेरा भाई जो होता है यहाँ पर शादी में मस्त होता है, और ठीक टाइम जो घर से तो सुबह चला जाता है, और शाम को कोई 7-8 बजे का टाइम होता है, और 7-8 बजे का टाइम होने के बाद क्या होता है कि वो यहाँ से चलता है और यहाँ पर खूब पार्टी शार्टी होती है, और पार्टी मनाने के बाद तो दोस्तों देखता है कि 8 बज गए हैं, तो मैं अब घर जाता हूँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, और सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि एक तो उनको ये भी पता था कि वो जो लेडीज़ है वो ख़त्म हो गई है, और तो क्योंकि उसकी जो डेथ हुई वो गाड़ी के नीचे दबकर हुई थी। तो दोस्तों अब वो यहाँ से घर से चलता है, और घर से जैसे चलता है, अब मैं दोस्तों आपको उस लेडीज़ का घर भी दिखा रहा हूँ, ये जो कोने पर घर है, ये मकान है उसी लेडीज़ का जिसकी डेथ हो गई थी, उसके बच्चों ने डाल रखा है। तो ये जात के ब्राह्मण है, और हमारे अच्छे इनका हमारे घर में काफ़ी आना जाना था, क्योंकि हम तो बचपन से जानते थे दोस्तों, जब हमारे घरों में टीवी नहीं होता था तो हम इनके घर में टीवी वगैरह देखते थे। जब जो राजीव गांधी को जलाया गया था तो उन दिनों में टीवी इनके घर में ही था। तो दोस्तों ये उस लेडीज़ का घर है जिसकी वहाँ डेथ हो जाती है, और फिर दोस्तों यहाँ से भाई मेरा आगे जाता है, और आगे धीरे धीरे चलता है यहाँ से, और रात का टाइम है, अंधेरा तो होता है क्योंकि सर्दियों में जो पहाड़ों में क्या होता है कि लाइट नहीं होती कहीं भी, बिल्कुल अंधेरा ये घर है। तो दोस्तों लोग अपने घरों में रहते हैं और उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, मगर एक ही यहाँ के लोग जो होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। तो दोस्तों भाई मेरा क्या होता है कि यहाँ से चलता है, और ये 8 बजे की बात है, रात के 8 बजे की, सर्दियों का टाइम है। और होता क्या है कि भाई मेरा यहाँ पर पहुँचता है, और इस पेड़ के पास जैसे पहुँचता है तो उसको पीछे से आवाज़ आती है, वही लेडीज़ आवाज़ मारती है जो ख़त्म हो गई होती है। तो क्योंकि भाई का, मेरा भाई का नाम पवन है, और वो कहती है पवन, तो भाई पीछे मुड़कर देखता है तो वही लेडीज़ आ रही होती है, और एकदम भाई घबरा जाता है, क्योंकि वो तो भाई ने देखा कि कपड़े भी उसके कुछ अजीबोगरीब कपड़े थे उसके, और रंग भी,
और जैसे भाई ने देखा और तो भाई डर गया और काफ़ी घबरा गया। और दोस्तों जैसे ही ये जो सामने आपको दिख रहा है ये बोर्ड, इस बोर्ड के पास पहुंचता है, और जैसे ही ये रात का टाइम, मैं तो वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पहुंचता है। और जैसे पहुंचता है तो वो लेडी उसके पास आ जाती है और उसको कहती है मुझे भी ले चल, मैं भी तेरे साथ जाना चाहती हूँ, मैंने भी ऊपर जाना है, क्योंकि हमारा घर जो ऊपर था। और जैसे ही वो भाई पीछे मुड़कर देखता है तो, और साथ में देखता है, पीछे नहीं और साथ में एकदम साथ में खड़ी होती है, और भाई घबरा कर डर जाता है, क्योंकि वो तो चुड़ैल थी, वो तो आत्मा थी, और वो उसको हम बामनी कहते थे, तो क्योंकि उनकी जात ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो हम बामनी कहते हैं। तो उसने देखा कि मेरे पास आ गई है। अब उसने क्या कि बीड़ी जलाने की कोशिश की, और बीड़ी तो माचिस जलाए तो माचिस से तेल ही ना जले। तो अब क्या होता है कि उसने कोशिश खूब की, और कोशिश करने के बाद क्या होता है कि वो माचिस जैसे ही जलाता है तो नहीं जलती है, तो फिर वो यहाँ तक पहुँचता है। ये दोस्तों होता क्या है कि ये बाबा विश्वकर्मा का मंदिर है, और बाबा विश्वकर्मा मंदिर के साथ ही ऐसे होता है कि जैसे ही इस मंदिर के पास पहुँचता है तो वो चुड़ैल जो थी वो आत्मा वो गायब हो जाती है। और भाई क्या होता है कि यहाँ पर इस मंदिर में 5-10 मिनट रेस्ट करता है। उसने सोचा कि चली गई है तो अब नहीं आएगी मेरे पीछे, तो यहाँ पर माथा टेकता है मंदिर में, और फिर वो कोशिश करता है कि चलो मैं नीचे चलता हूँ। और दोस्तों फिर वो आगे नीचे चलता है, और जैसे ही चलता है तो ये जो अब ये पीपल का पेड़ है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, तो ये झाड़ी है, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है और वो हवा चलती है जोर से, और उसको अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, तो भाई फिर घबरा जाता है कि वो चीज़ तो नहीं आ गई, वही आत्मा तो नहीं आ गई। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे भाई ये जो सामने ये जो मकान है, इस मकान के पास ही उसकी डेथ हुई थी, एक गाड़ी जो थे टायर तो उसके ऊपर चढ़ गया था। और जैसे वो इस मकान के पास पहुंचता है और उसकी जहाँ पर निशान पड़ा है, यहाँ पर एक काला सा निशान पड़ा था, तो वो भी सड़क के सेंटर में ख़त्म हुई थी, और जैसे निशान पड़ा होता है ऐसे क्या देखता है कि निशान से वो उठती है, और वो उठने के बाद फिर कहती है पवन, भाई को बुलाती है, पवन एकदम घबरा जाता है, और भाई को फिर क्या होता है कि फिर पता नहीं उसको क्या होता है क्या नहीं, तो कहता है कि मुझे फिर वो जैसे कभी इधर झाड़ियों में मारती थी हवा से, कभी उधर मारती थी, कभी ऐसे फेंकती थी। तो दोस्तों काफ़ी आधा घंटा वो दोनों ही वो उसके साथ लड़ती रही, और भाई का जो शरीर था खून से लथपथ हो गया, और उसने देखा कि और काफ़ी देर तक वो झगड़ा करती रही उससे। और फिर जैसे ही वो झगड़ा किया उसने, पहले तो उसको इधर फेंकते नीचे, ये जो खम्बा है खम्बे के पास नीचे फेंकते, फिर यहाँ से बड़ी मुश्किल से उठा तो जो सामने पेड़ है पीपल का, तो पीपल के पेड़ के पास क्या होता है कि पहुंचती है और यहाँ पर उसको रोक लेती है, फिर उसको आगे ना जाने दे, और उसके साथ लड़ रही होती है, कभी उसको इधर फेंकती है, कभी थप्पड़ मारती है। तो दोस्तों हवा थी, हवा तो कहीं से भी आ सकती है। और फिर क्या होता है कि जैसे वो अब ये पीपल का पेड़ आता है, और पीपल के पेड़ के पास जैसे ही पहुँचती है और वो पेड़ के पास उसको फिर गिरा देती है। तो दोस्तों ऐसे वो काफ़ी देर तक लड़ते हैं, और जैसे यही पीपल का पेड़ है तो इस पीपल के पेड़ के पार फेंक देती है। तो दोस्तों अब ये सामने ये मेरा घर है, ये मंदिर दिख रहा है आपको, तो ये भाई की किस्मत अच्छी थी कि वो जैसे घर के पास पहुंच गया था, और उसको वो इस घर के पास ही पहुंचता है, और वैसे ही वो पहुंचता है और वो उसको यहीं पर वो बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, क्योंकि मंदिर था, मंदिर से आगे वो चीज़, और बेहोश होकर वो छत के ऊपर गिर जाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि छत पर गिर जाता है, अब भाई और सभी परेशान हो जाते हैं कि 10 बजे का रात का टाइम हो गया है तो अभी आया नहीं है, तो क्यों नहीं आया, तो मम्मी पापा फ़ोन करते हैं भाई को गांव में नीचे, तो फ़ोन करते हैं और वो फिर यहाँ से वो ऊपर जाते हैं।
तो ऊपर जाते हैं तो ऊपर छत के ऊपर देखते हैं, तो नीचे बड़ा बड़ा भाई रहता है तो बड़े भाई को भी कहते हैं कि पता करो कि वो कहाँ गया, पवन कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं है। तो मम्मी परेशान होती है, मम्मी भी फिर पापा भी साथ में ऊपर जाते हैं। तो जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं पहले तो आगे पीछे देखते हैं इधर कि इधर तो नहीं है, तो आवाज़ मारते हैं, आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है। तो फिर ये जैसे रास्ते ये गेट खोलते हैं, गेट के बाद छत के ऊपर चले जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही छत के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई तो वहाँ पर बेहोश पड़ा है और उसको कोई होश नहीं और खून से लथपथ है। तो फिर उसको मम्मी पापा उठाते हैं, साथ में भाई उठाता है नीचे, और जल्दी से जो लोशन होता है ना, लोशन से उसके और देसी घी से उसके पैरों में सारे शरीर पर लगाते हैं। फिर उसको दोस्तों होश आती है, और जब होश आती है तो उसको पूछते हैं कि भाई हुआ क्या था। तो फिर दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया, ये भाई ने इस गाड़ी के पास भाई को गिरा दिया था और भाई यहीं पर बेहोश पड़ा था। तो दोस्तों भाई को फिर पूछा, तो होश आने के बाद पूछा तो उसने कहा कि मुझे वो जो ख़त्म हो गई थी वो मुझे मिली, और उसने मुझे कहा मैं भी तेरे साथ जाना चाहती हूँ, मैं बीड़ी चलाता तो बीड़ी नहीं जलती थी, और फिर मैंने सोचा कि चलो वहाँ से तो वो मैं चला आया। तो मंदिर के पास जैसे ही पहुँचा तो मंदिर के पास आते ही वो गायब हो गई, गायब होने के बाद वो फिर वो मुझे आगे मिल गई। तो उसने ये जितनी भी कहानी थी हमें फिर से सुनाई, तो ये कहानी सुनाई तो मेरे भी कहानी सुनकर दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने सोचा ये देखो कि कलयुग में भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि ये तो बात थी भाई की, तो अब क्या होता है कि 3 दिन के बाद पापा कोई यहाँ पर हमारे मकान का काम स्टार्ट था, और मकान यहाँ पर रेता फेंक रखा था मैंने, तो पापा रेता साफ कर रहे थे प्लास्टर के लिए, और होता क्या कि यहाँ पर आग जलाकर बैठ गए। तो 2:30-3 बजे का टाइम था, पापा की आदत थी सुबह उठ जा जैसे उठ जाते हैं तो रेता छानना स्टार्ट कर देते थे। तो दोस्तों होता क्या कि पापा आग सेक रहे होते हैं, और वहाँ से वही औरत आती है, लेडीज वही बामनी आती है, और वो पापा को कहती है भाई साहब मेरे को आग सेकनी है। और तो पापा ने इशारा किया कि आप इधर बैठ जाओ जहाँ पर ये डोगी घूम रहा है। तो पापा ने कहा कि आप यहीं पर आ जाओ सेक लो, तो इशारा किया तो वो बैठती नहीं है। होता क्या है पापा जिस जो बर्तन में वो रेता छान रहे होते हैं वो उस बर्तन को नीचे फेंक देती है, और नीचे इतनी जोर से फेंकती है, एक तो आवाज़ होती है गुस्से में से, और फिर गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद क्या होता है कि जैसे अब जो बट्ठल जो जो उसका बट्ठल था जो बर्तन पापा का, उस बर्तन को वो नीचे फेंक देती है यहाँ पर इसके नीचे इतनी गहराई में। और फिर उधर सामने जो छत है, ये जो डिश लगी है छत के पास, यहाँ पर चारपाई रखी होती है, और चारपाई को क्या करती है, चारपाई को उठाती है और चारपाई को भी नीचे फेंक देती है जोर से। तो जैसे फेंकती है तो उधर से हमारी मम्मी भाई सारे जाग जाते हैं कि क्या हो गया, ये आवाज़ किस चीज़ की, जैसे कि ये खाट है यहाँ पर फेंक देती है। तो सभी जाग जाते हैं, और फिर पापा कहते हैं कि वो आई थी और जो ख़त्म हो गई थी, और वो उसने कहा कि मुझे आग सेकनी है, तो मैंने कहा बैठ जाओ, और वो बैठी नहीं तो उसने मेरा जो सामान था वो नीचे फेंक दिया, साथ में चारपाई फेंक दी। तो दोस्तों ये जो कहानी है बिल्कुल सच्ची है, और अगर ये मैं क्योंकि मैं जो भी कहानी बताता हूँ बिल्कुल सच है, ये दोस्तों आज से 4-5 साल पहले की बात है, और ये मेरे सगे भाई के साथ हुई थी, मेरे से बड़ा भाई है 2 साल बड़ा है, और मुझे आज भी ये देखो कि मैं इस कहानी जब भी इस चीज़ के बारे में सुनता हूँ तो मुझे आज भी डर और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल सच्ची कहानियाँ जो होती है ना बिल्कुल वो ऐसी खतरनाक होती हैं कि आप, क्योंकि जो लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कहानी सुनते हैं कहते हैं कि भाई साहब इसने तो अपनी मर्जी से बनाया है। दोस्तों मैंने मर्जी से नहीं बनाया, ये मेरे पापा जी हैं, तो पापा जी ही, अब इनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि ये पता नहीं इन्होंने कितने भूत प्रेत देखे हैं और क्या देखा है। आज भी इनकी उम्र अभी तो 75 ईयर ओल्ड हैं, 75 साल के हैं, और ये हैं इनको हर चीज़ का पता है कहाँ पर क्या हुआ है, और इनको तो कई बार भूत भी मिले हैं, चुड़ैल भी मिली हैं दिन में,
और उन्होंने इनको काम दिया, तो इन्होंने काम भी किया। तो दोस्तों मेरी कहानियों को झूठ मत समझना, क्योंकि मेरे साथ भी घट सकता है, हो सकता है कल आपके साथ भी घटित ना। और जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, मैं सच्ची घटना से अवगत करवाना चाहता हूँ कि पहाड़ों में ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।